तब चमोली के पुलिस अधीक्षक प्रवीण डोभाल ने अपने कार्यालय में सोमवार को पदभार ग्रहण किया, जिसके बाद पत्रकारों से बात करते हुए नवनियुक्त एसपी डोभाल ने कहा कि जिला चमोली को अपराध मुक्त बनाने और शांति कानून व्यवस्था बनाए रखना हमारी प्राथमिकता होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि कार्यालय में आने वाले फरियादियों को न्याय संगत न्याय देना हमारा पहला कर्तव्य है। जनता से मधुर संबंध होंगे, इसको लेकर यहाँ जनता और पुलिस के बीच दूरी मिटाने का प्रयास किए जाएंगे। आगे उन्होंने कहा कि जनपद में चारधाम यात्रा समाप्ति के बाद प्राथमिकता के आधार पर मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम और युवाओं को नशे के दलदल से बचाने के लिए नशे के तस्करों पर कार्रवाई की जाएगी। चमोली से संदीप सिंह की रिपोर्ट। देवस्थान यहाँ पर है और बेसिकली यात्रा चारधाम यात्रा पर जो सबसे बिजी जनपदों में ये है, तो अब तक का जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है कि चारधाम के समय में मैक्सिमम जो टूरिज्म यहाँ पर आता है, लोग बाहर से आते हैं, तो पब्लिक का जो ओपिनियन है यहाँ पर, जो फ्रेंडली जो पुलिसिंग है, जो लोगों जो पब्लिक के प्रति जो ओरिएंटेड है, वो पुलिसिंग का यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट रहा है, उसको और मजबूत करना, जो यहाँ से बाहर से जो यात्री आ रहे हैं उनको सुगम यात्रा उपलब्ध